हेलो एवरीवन माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंथ क्लास आर डी शर्मा एमसीक्यू से चैप्टर नंबर इलेवन का क्वेश्चन नंबर फोर सो दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन फोर वैल्यू ऑफ अंडर रूट वन प्लस कॉस्टिटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस्टिटा इज ऑल सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है अंडर रूट डिवाइडेड बाय तो कहा गया है इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा हमें जो डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस्टिटा ये जो दिया हुआ है इसका हम फाइन करेंगे कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर थ्री में तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे कॉन्जुगेट right. फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी वन प्लस कॉस्टीटा राइट और ये जो वन प्लस कॉस्टीटा वैल्यू आई है उसका हमें क्या करना है उसको हमें न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है तो अगर यहां पे हम लिखे वन प्लस कॉस्ट डीटा ऑल राइट डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस्टिटा और वन माइनस कॉस्टिटा का जो कॉन्जिगेट हमने फाइन किया दिस इज वन प्लस कॉस्टिटाटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज वन प्लस कॉस्टिटा और राइट अब अगर आप इस स्टेप में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप न्यूमिरेटर में दिस इज वन प्लस कॉस्टिटा एंड वन प्लस राइट तो वन प्लस कॉस्टिटा इंटू वन प्लस कॉस्टिटा आप लिख सकते हैं one plus cos theta whole square, all right? तो आप इस स्टेप को ऐसे लिख दीजिए यहां पर दिस इज वन प्लस थीटा होल टू पावर और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे दिस इज वन माइनस थीटा एंड दिस इज वन प्लस थीटा सो दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सो ए माइनस बी इन ए प्लस बी क्या हो जाता है दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं वन स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अब देखिए इस स्टेप में जैसे ही वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आ गया अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा दिस विल बी वन प्लस कॉस थीटा होल रेज टू पावर टू एंड डिनोमिनेटर में आप इसे जैसे लिखा हुआ है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं अब यहीं से आपको एक आइडेंटिटी याद होगी दिस इज साइन स्क् टीटा प्लस टीटा टू वन अगर इस कॉस टीटा को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं सो दिस विल बी साइन स्क् टीटा एकवल टू वन माइनस कॉस स्क्र टीटा और राइट अब यहां पर जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इस वैल्यू को यहां पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे साइन स्क्वे टीटा से तो so, चलिए लिखते हैं इसको दिस विल बी वन प्लस कॉस टीटा होल पावर टू एंड डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्र टीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे दिस इज साइन स्क्वायर टीटा अब देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन चुके हैं तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे तो दिस विल बी वन प्लस कॉस टीटा डिवाइडेड बाय साइन टीटाइड और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्प्लिट कर देते हैं दिस इज वन अपॉन साइन टीटा प्लस कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा क्लियर अब देखिए वन प्लस साइन टीटा की वैल्यू क्या होती है दिस इज कॉसेक टीटा, और कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा की वैल्यू क्या होती है दिस इज टेन टीटा तो अब इन्हीं के प्लेस में हम वैल्यू लिख देंगे तो वन अपॉन साइन टीटा इज इक्वल टू टीटा प्लस कॉस टीटापॉन साइन टीटा इज इक्वल टू इट इज कॉट टीटा ऑल राइट तो देखते हैं हमारे लिए फाइनल ऑप्शन क्या बनेगा सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर ऑप्शन बी इज द आंसर ऑल राइट स्टूडेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ और मैं आपको यहां पे रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन की प्रॉपर एक टिप होती है तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि बिल्कुल इसके इट इज है वो जरूर देखें